सभीपुर में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा लमुआ से सीताराम वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद से भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान में तेजी लाई है। इसी क्रम में गुरुवार को चांदा अंतर्गत स्थित सफीपुर ग्राम सभा में सेक्टर संयोजक धनंजय सिंह के आवास पर भाजपा प्रत्याशी सीताराम वर्मा की अध्यक्षता में भाजपा मंडल कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के कई पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी को संबोधित करते हुए प्रताप नारायण ओझा ने योगी सरकार की पिछले 5 वर्षों की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया। वहीं अपने संबोधन के दौरान सेक्टर आयोजक बृजेश मिश्र ने कहा कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। भाजपा प्रत्याशी सीताराम वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और यह हमारे दिल में बसते हैं। हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उनमें जोश भरने का भी प्रयास किया। सभा समाप्ति के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष प्रतापपुर कमेचा अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार जनता या तो बता देगी कि प्रतापपुर कमेचा में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य किसी दल के लिए यहाँ जगह नहीं है।